नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन के बारे में, यानी कि ग्रीन स्क्रीन को आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में, ताकि गाइस आपकी वीडियो भी काफी अमेजिंग लगे देखने में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा बैकग्राउंड जो बैक का है वो है एक ऑफिस का बैकग्राउंड। तो गाइस इस तरीके के बैकग्राउंड को विद इन अ क्लिक आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ग्रीन स्क्रीन को आप प्रॉपरली कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिवली और बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को कैसे यूज किया जाता है और कैसे आप अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है जो कि मेरे ब्रदर ने लॉन्च करी है, जो कि है पंकज। और गैस उस एप्लीकेशन का नाम है अन इन पॉकेट। गैस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गैस मेक श्योर आप उस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करें और गैस अपने रिव्यूज आप मेक श्योर गूगल प्ले स्टोर पे आप दें, ताकि गैस हम लोगों को आइडिया मिल जाए उस एप्लीकेशन पे अभी फर्दर में काम करना है या फिर नहीं। ओके गैस चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन के बारे में। और गैस मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रीन स्क्रीन को आप बिल्कुल सस्ते प्राइस में आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, प्लस गैस ग्रीन स्क्रीन को आप किस तरीके से आप रूम में फिट कर सकते हैं, तो गैस चलिए देख लेते हैं। ओके दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को अपना वीडियो एडिटिंग रूम दिखाने वाला हूँ, प्लस गाइस मैं आपको थोड़े बहुत फीचर्स आपको बताऊंगा, ताकि गाइस आपको लाइटनिंग की कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो और गाइस आप बिल्कुल लिमिटेड लाइटिंग में भी आप काफ़ी कमाल की वीडियोस आप बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको अपना वीडियो एडिटिंग का रूम दिखा देता हूँ, प्लस गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रीन स्क्रीन मैंने किस टाइप से लगाई हुई है अपनी वॉल पे। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको अपना वीडियो एडिटिंग रूम दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको वीडियो एडिटिंग रूम में यूज़ होती है वो है लाइटनिंग। दोस्तों अगर आप ट्यूबलाइट है आपके रूम में, मेक श्योर दोस्तों आप LED ट्यूबलाइट ही यूज़ करें। गाइस इनकी लाइट काफ़ी अच्छी होती है, या फिर गाइस आप इस तरह की LED लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की LED लाइट आप आसानी से 300 रुपीज़ में आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने लोकल डीलर से भी आप परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं DSLR कैमरे की, प्लस सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राईपॉड स्टैंड की। तो दोस्तों जो मैं ट्राईपॉड स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ वो है बैनरो का। आप चाहे कोई भी ट्राईपॉड स्टैंड आप यूज़ कर सकते हैं, सारे ही ट्राईपॉड स्टैंड बिल्कुल सेम वर्क करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं DSLR कैमरा की। तो दोस्तों जो DSLR कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है निकॉन D5200, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है निकॉन D5200, काफ़ी अच्छा कैमरा है। और दोस्तों DSLR कैमरे में बेस्ट फीचर ये होते हैं कि गाइस आप यहाँ पर लाइटनिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी लाइटनिंग काफ़ी लो हो चुकी है। दोस्तों अगर आपकी रूम की लाइटनिंग उस लेवल की नहीं है तो दोस्तों आप नॉर्मली आप इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैनुअल मोड में होती हैं। अगर आपको DSLR कैमरा परफेक्टली यूज़ करना आता है तो आपको लाइटनिंग की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि लाइटनिंग मेजर फैक्टर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, अगर आपके पास अच्छा खासा DSLR कैमरा है तो आप लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप बिल्कुल बेसिक कैमरा या फिर स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों आप मेक श्योर आप LED ट्यूबलाइट ही यूज़ करें, तो काफ़ी अच्छी यूज़ होती है। प्लस दोस्तों ये मेरा माइक्रोफोन है जो कि सैमसंग का माइक्रोफोन है, इसको मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। जो इसका माइक है वो यहाँ पर DSLR में कनेक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो इसका पावर केबल है वो नॉर्मल पावर केबल है, जो कि USB केबल एज अ मैं अपने PC में यूज़ करता हूँ। ओके तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन को आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन मैंने मंगाई थी वो अमेजोन से मंगाई थी और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 364 रुपीज़। तो दोस्तों अगर आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे ग्रीन स्क्रीन तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस पड़ेगा, और लगभग 400-2000 रुपीज़ आपका प्राइस आएगा अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे। तो आप देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन मैंने लगाया हुआ है अपने रूम में वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक नॉर्मल स्टील पाइप आपको परचेज करनी है, जैसे कि मैंने परचेज करी हुई है। और दोस्तों आपको नॉर्मली से अपनी वॉल से अटैच करना है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने अपनी वॉल से अटैच किया हुआ है। और दोस्तों जो आपकी ग्रीन स्क्रीन आएगी वो बिल्कुल ईजी टू यूज़ आएगी। नॉर्मल आपको इस तरह के हैंगर आपको सिर्फ परचेज करने होंगे और आपकी ग्रीन स्क्रीन इस तरीके से वॉल पर लग जाएगी, और आप इसे हटा भी सकते हैं और नॉर्मली आप इसे जब यूज़ करना चाहें आप इससे लगा भी सकते हैं, तो गाइस आपको गंदे होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन को लगाना मैंने आपको बता दिया कि अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं।
मैंने आपको अपना एक छोटा सा ओवरलुक भी दे दिया है वीडियो एडिटिंग रूम का। तो दोस्तों फर्दर चलिए बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने विंडो डेस्कटॉप में आ चुका हूँ। दोस्तों वैसे तो काफी सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, पर जो हाईली रिकमेंडेड और जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है बैकग्राउंड की इमेजेस को रिमूव करने का, वो है एडोब आफ्टर इफेक्ट। तो दोस्तों जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आपको इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप कंपोजिशन तैयार करेंगे, तो चलिए डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपकी जो भी फाइल है, यानी कि जो भी वीडियो है, जो भी इमेजेस आप बैकग्राउंड में लगाने चाह रहे हैं या फिर जो भी वीडियो आप लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में, आप उसे डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। चलिए मल्टी फाइल्स पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये मेरी एक वीडियो है और ये मेरी एक बैकग्राउंड इमेज है जो कि मैं एज अ डेमो यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। चलिए डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों जो भी आपकी वीडियो है आप उसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, तो कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पूरी प्रॉपर वीडियो आ चुकी है। प्लस दोस्तों जो भी वीडियो में आप चेंजेस करना चाहें, यानी कि कोई पार्ट अगर आप काटना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट अगर आप उस पर ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि जूम इन जूम आउट का फीचर आपको मिल रहा है, आपको हैंडी टूल मिल रहा है जिसको यूज़ करके आप अपनी वीडियो को इधर उधर आप रख सकते हैं। प्लस अगर आपको लग रहा है कि आपकी वीडियो थोड़ी छोटी है बड़ी है तो आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर एक अलग टूल मिल रहा है जो कि एक पेन टूल होता है, यानी कि आपकी ग्रीन स्क्रीन अगर छोटी है और बैकग्राउंड में आपकी कोई बेकार की चीज़ आ रही है, यानी कि कोई चेयर आ रही है या फिर कोई वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ें आपको मिलती है। पहली चीज़ है कि आप अपनी वीडियो को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसके जरिए आपकी वीडियो तो स्ट्रेच हो जाएगी बट आपके पिक्सल थोड़े से फटेंगे, बट उसमें होता क्या आपका जो भी बैकग्राउंड में बेकार की चीज़ है वो रिमूव हो जाती है। दूसरी चीज़ यह है कि आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके बैकग्राउंड में बेकार की इमेज है आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सपोज मैं लेके चल रहा हूँ मेरे लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में कोई बेकार की चेयर या कुछ भी था, उसे मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे पूरा कॉलम तो बैकग्राउंड की इमेज बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी जो कि डिफॉल्ट है। तो चलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एक इमेज या फिर वीडियो में। तो अब आपको नॉर्मली इस पर क्लिक करना है यहाँ पर इस सेक्शन पे जो कि सिलेक्शन टूल है हमारा। उसके बाद आपको वीडियो के ऊपर आना है, राइट क्लिक आपको करना है, आप इफेक्ट पे जाएंगे, आपको जाना है किंग के ऑप्शन में जो कि ये रहा। तो किंग का जो अभी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर चल रहा है वो है किंग 1.2। तो चलिए इस पर चलते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर स्क्रीन कलर में आपको जो भी कलर आपको रिमूव करना है, यानी कि जो भी कलर आप रिमूव करना चाह रहे हैं अपने बैकग्राउंड से, तो अब आपको उसे सेलेक्ट करना है। और गाइज ये चीज़ आप ध्यान रखें, स्क्रीन काफ़ी टाइप की आती हैं, ग्रीन स्क्रीन भी होती है, ब्लू स्क्रीन भी होती है, बट जो हाईली रिकमेंडेड स्क्रीन जो कि बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है वो ग्रीन स्क्रीन ही है मार्केट में। और काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ में, काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में अमेजिंग एक्शन को कैप्चर करने के लिए ग्रीन स्क्रीन का ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट करने के आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, आप इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली यहाँ पर आपको एक ड्रॉपर मिल रहा है आप उसे सेलेक्ट करेंगे और जो भी कलर आप रिमूव करना चाहें आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पर टोटली ब्लैक हो चुका है। तो दोस्तों अब इसके अलावा आपको काफ़ी सारे ऑप्शन अदर ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे के लाइट के फीचर में। दोस्तों जिस तरीके से स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, आप उसे जितना यूज़ करेंगे, जितनी आपको आप उसमें नई नई डालेंगे आपको डिफरेंट फीचर्स ऐड ऑन मिलते जाएंगे। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी है, जितना ज़्यादा आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे टाइम टू टाइम आप उसके बारे में और भी जान पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चेंज करना चाहें, यानी कि आपको अदर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, यानी कि आप कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ स्क्रीन मैट का। तो दोस्तों स्क्रीन मैट में आपको बेसिकली ये फीचर मिलता है, आप ये देख पाएंगे जो भी आपका वाइट पोर्शन में ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं या फिर ब्लैक स्पॉट में आपके वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं। आप नॉर्मली स्क्रीन मैट पे यहाँ पर जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है स्क्रीन डिपॉजिट ब्लैक, यानी कि आप ब्लैक स्पॉट को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल अभी ये 0 से 3 पे सेलेक्ट करके जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो आप देखेंगे वाइट सेक्शन के जो ब्लैक स्पॉट्स है वो काफी हद तक रिमूव हो चुके हैं। और गाइस आप अपना फाइनल रिजल्ट दोबारा इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जब आपको लगे आपके सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो चुके, आप अपने टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अदर इमेजेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं। जब आपको लगे ये चीज आपकी बिल्कुल परफेक्ट है उसके बाद आपको बैकग्राउंड में इमेज यहाँ पर डालनी है।
तो इमेज डालने के लिए या फिर वीडियो डालने के लिए आपको नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से। और फाइनली अब हम इस इमेज को स्ट्रेच कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो मेरी बैकग्राउंड में जो इमेज है एक ऑफिस का लुक यहाँ पर आ गया और काफी अट्रैक्टिव सा यहाँ पर लग रहा है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आप यूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में, जो भी आप चाहें। तो जब आपको लगे आपकी सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, तो आप कंपोजिशन में जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड टू रेंडर क्यू में। तो दोस्तों आपको नीचे की साइड यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहले आपको अपना आउटपुट यहाँ पर सेट करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जो फॉर्मेट मैं रिकमेंड करूंगा वो है क्विक टाइम। क्विक टाइम के अलावा भी काफी सारे ऑल्टरनेटिव हैं, बट मेरे हिसाब से क्विक टाइम यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट रहता है। तो चलिए ये सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ओके पर आप क्लिक करेंगे। उसके अलावा गाइस आप अपना डेस्कटॉप में जहाँ पर भी आप सेव करना चाहें आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी लोकेशन यहाँ से बदल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका नाम डेमो रख लेता हूँ, डेमो, ओके सेव कर लेते हैं। दोस्तों जब आपको लगे सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं, अब आपको नॉर्मली रेंडर पर यहाँ पर क्लिक करना है और फाइनली आपकी वीडियो प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और फाइनली जब आपकी वीडियो बिल्कुल डन हो जाए, इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और गाइस आपकी वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगी। ओके दोस्तों ये तो बात रही विंडो यूजर्स की, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप एप्पल डिवाइस यूज करें तो आप किस तरीके से आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में कैसे आप यूज कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। तो दोस्तों जो हाईली रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर जो कि मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ वो है फाइनल कट प्रो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया है। सबसे पहले गाइस ये प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ, तो गाइज आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पर मेरी आ चुकी है। आप नॉर्मली जो भी वीडियो आपकी है जिसमें आपको ग्रीन स्क्रीन यानी कि है और उसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप नॉर्मली वीडियो को गाइज आप इस तरीके से उठा के यहाँ पर डालेंगे। तो आप देख सकते हो ये वीडियो आपकी यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुकी है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यानी कि ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए दोस्तों अब आप नॉर्मली यहाँ पर इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर किंग का ऑप्शन मिलेगा जिस तरीके से आपको विंडो में भी मिलता है। तो किंग के ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक लेयर मिलेगी गाइस, आपको इस लेयर को उठाकर आपको अपनी वीडियो के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपका ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था जो कि पीछे का था वो टोटली यहाँ से रिमूव हो चुका है। दोस्तों अब आपको जो भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहें आप कोई भी बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड करी हुई है। तो दोस्तों अब आप इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों आप इमेज को इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। आप इसे इस तरीके से स्ट्रेच भी कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो ये वीडियो यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुली लग चुकी है और काफ़ी कमाल की ये लग रही है। तो दोस्तों काफ़ी आसान है इसे यूज़ करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड को रिमूव करना, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर एक ऑफिस की इमेज यहाँ पर मैंने लगाई हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको और भी बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का सेक्शन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको एक बैकग्राउंड और लगा के यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए ट्राई के लिए यहाँ पर मैं बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। आपको इसे दोबारा ड्रैग करना है इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ और गाइस डन हो चुका है। ओके जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड टोटली चेंज हो चुका है और गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर मैंने एक मूविंग बैकग्राउंड यहाँ पर लगाया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में टेक्स्ट लगाना, कोई इमेज ऐड करना, इसके अलावा भी दोस्तों आप काफ़ी सारी क्रेजी थिंग यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से यही बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं विंडो के लिए भी और एप्पल के लिए भी। अगर आप ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करके आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे फाइनली उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आप ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करके आप अपनी वीडियोस को अमेजिंग बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो गाइस मेक श्योर आप कमेंट करके मुझे बता दें। और दोस्तों आप इसी तरीके से मेरे YouTube चैनल से कनेक्टेड रहिए और यहाँ पर आपको मिलने वाले काफी सारी कमाल की वीडियोस। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय।